Welcome to all my dear students and all my friends and all my well-wishers and viewers. जो UPA program मैंने जो बोला था, जो भी apply किए हो उसका मैं previous year paper करा रहा हूँ. रोज़ाना मैं एक paper को 3 दिन में मैं रोज़ाना करके ख़त्म करूँगा, मतलब complete करा दूँगा. ऐसे ही चारों, मतलब 4 या 5 ईयर जो प्रीवियस का है, मतलब जो भी पेपर हुआ है उसके ऊपर मैं बोलने वाला हूँ. मतलब एक पेपर का 3 दिन लिया तो फिर 5 पेपर का 15 दिन. लेकिन जैसे कि मैं बोला था, 2 दिन तो मैं कर दिया, लेकिन कल मेरा जो मैं नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत अलग सा काम था. चलो चलो फिर कोई नहीं, आप ज़रूर शेयर करना. क्योंकि देखो, शेयर आप करते ही नहीं, आप बस पढ़ रहे हो, मतलब उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मत करिए. क्योंकि यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ कि या भी ये भी हो सकता है, मेरा जो चैनल है लाइव नहीं हो सकता है. लेकिन रिकॉर्ड तो मैं दे रहा हूँ ना, कि बस यही में बात है कि मतलब मैं शेड्यूल कर दूँगा उसी शेड्यूल से, मतलब वही टाइम पर आप सर्च करना, लगातार रेगुलरली आपको मिल ही जाएगा मतलब क्लासेस. तो चलो फिर शुरू करते हैं. चलो हमारा, हाँ हमारा मतलब 120 क्वेश्चन में 1 से लेकर 60 एंड 100 1 से लेकर 120, मतलब जो बाकी है सिर्फ 40, मतलब 40 क्वेश्चन बाकी है, वो है 61 से लेकर 100 तक. तो चलो वही फिर करते हैं. ओके, अच्छे से ध्यान से सुनना, बहुत जल्द से कराएंगे, जल्दी जल्दी में. 60 60 कहाँ गया, 61. यही था ना, 60 गया था ना. बस देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 61 क्या बोला है. देखो मतलब यहाँ पर यही क्वेश्चन आया था 61 में, वो दिया है फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो. यहाँ पर जो निम्नलिखित में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसमें से मतलब सम इंसर्वेबल सम कैलकुलेट करो. देखो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, मतलब इसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल से ये क्वेश्चन आता है, मतलब जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल जो मतलब चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन आएगा वहाँ से बिलिंग करता है. देखो मतलब वहाँ पर एक ऐसा आएगा ना, कौन सा डेट में आप मतलब कुछ लोन लिए हो या फिर कुछ भी लिए हो, उसके साथ ही साथ टर्न ओवर आपका मतलब कितना हुआ, उसके साथ ही साथ एग्रीड जीपी रेशियो कितना हुआ, उसके साथ सोशल सर्कमस्टेंसेस क्लॉज प्रोवाइडेड फॉर द इंक्रीज ऑफ टर्न ओवर बाई 10% बाई 10%, वो सभी के सभी देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं. बस यही देखो यहाँ पर तो डेट ऑफ फायर, यहाँ पर जहाँ जो डेट पर इशू किया गया था वो था आपका टर्नओवर था 18.8 लाख्स. ओके 18.8 लाख्स था. उसके बाद जो जीपी रेशियो था वो था 20 20%. ओके तो 88 लाख का 20% कितना हो गया आपका, कितना हो गया मतलब 80,000 मतलब लाख का 20%. 20% मतलब 1/5. तो ये जो हुआ 5 के 5 3 5 17 17 6. ओके 17 6 के बाद आपको क्या है ना, उसके साथ ही साथ भी आपको और 10% चाहिए, मतलब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्लॉज प्रोवाइडेड फॉर द इंक्रीज ऑफ टर्नओवर बाय 10%. 10% में आपका जो है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस चाहिए, जो इंक्रीज होगा टर्नओवर उसके लिए भी स्पेशल सर्कमस्टेंस इसके लिए चाहिए, जहाँ पर कि आपका इंक्रीज हो जाएगा टर्नओवर 10% में. तो ये जो आपको क्या करना है, पहले तो 18 लाख का 20% निकालना है, जो रेशियो है वो आपका आएगा 17.6 आएगा. उसके साथ ही साथ 17.6 का 10% और ज़्यादा इंक्रीज, मतलब 17.6 का जब 10 आप इंक्रीज करोगे तो ये साथ ही साथ 1.7, देखो यहाँ पर 17.6 में इसका जो 10% निकालोगे यहाँ पर पॉइंट लगेगा ना, मतलब 1.76 ऐसे कुछ आएगा, मतलब उसको ऐड कर देना है फिर 1.17.6 से 1.76. तो यह आ जाएगा लगभग 19, ये जो आंसर ए में है वही आ जाएगा 19, यहाँ पर जो पास आस पास है 19,36,000. मतलब समझ पाएगा नहीं, जो है इसका ये परसेंट जी रेशियो जितना परसेंट उसको निकालना, वो जो निकालने के बाद उसका फिर 11/10 करो, या फिर उसका 10% करके मतलब 1/10 करके उसका फिर ऐड कर लो उसके साथ. ओके होगा कि नहीं, बस हो जाएगा. चलो फिर देखते हैं 62 क्वेश्चन.
यस 62 क्वेश्चन क्या देखेंगे ना, 62 क्वेश्चन देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, मतलब इनकम है या फिर एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, इनकम का अकाउंट हो या फिर एक्सपेंडिचर का अकाउंट हो, वो जो होता है आपका ऑलवेज ये रिमेंबर करना, मतलब रिमाइंड करके भी जाना एग्जाम हॉल, या फिर रिमेंबर करना जो आएगा वो नॉमिनल अकाउंट आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर ऑलवेज बिलोंग टू नॉमिनल अकाउंट। ओके, इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट। बहुत सारे सोचते हैं ये पर्सनल अकाउंट में है, नहीं आपका नहीं है। मतलब ये देखो, हर हर किसी का जो एक पर्सनल टाइप का अकाउंट होगा, मतलब किसी का नाम पर वही हो जाएगा ये पर्सनल अकाउंट, नहीं तो जो कॉमन अकाउंट होता है, कॉमन अकाउंट उसको बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो देखो 63 फिर देखते हैं क्या है। 63 देखो क्या है क्वेश्चन से, यहाँ पर तो इनकम एक्सपेंडिचर इक्वल टू नॉमिनल अकाउंट। ओके, नाम मात्र अकाउंट। उसके बाद देखते हैं हम यही देखेंगे कि लीगेसीज आर जनरल, वो बोल रहा है लीगेसीज मतलब क्या है। लीगेसीज वही है कि आपका कैपिटलाइज्ड एंड टेकन टू बैलेंस शीट। लीगेसीज जो है वो है आपका कैपिटलाइज तरह कुछ है, एंड टेकन टू बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट में भी दिखा जाता है, जो लीगली साइज है। लीगेसीज जो है, जो लीगलिस्ट के ऊपर मतलब डिपेंड करता है, मतलब लीगेसी जो है वो आर जनरली, वो जनरली है आपका कैपिटलाइज्ड है एंड टेकन टू बैलेंस शीट। डिटेज इनकम, इनकम जो उसे ट्रेटेड हो रहा है वो बात नहीं है, ट्रेटेड एक्सपेंडिचर वो बात भी नहीं है। उसके साथ ही साथ जो है कैपिटलाइज्ड एंड टेकन टू सस्पेंस अकाउंट हुई है। लीगेसी आर जनरली कैपिटलाइज्ड एंड टेकन टू बैलेंस शीट। ओके, चलो फिर चलते हैं क्या। ओके 64 देखो, 64 में क्या होगा, यहाँ पर मतलब देखते हैं, एक मिनट, 1 सेकंड। हाँ 1 सेकंड बस हो गया। हाँ उसके बाद था आपका क्या, हाँ 64 क्वेश्चन। चलो वहाँ पर देखते हैं 64 क्वेश्चन क्या है। 64 क्वेश्चन यही है कि द अबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिट टू। देखो एक होता है कंसाइनमेंट एंड और एक होते हैं कंसिनी। कंसाइनमेंट जो करते हैं, जो कंसिनी मतलब जो कंसाइनमेंट जो मतलब जिस कंसाइनमेंट जो करते हैं उनको कंसिनी बोलते हैं, और जो कंसाइनमेंट तो करते हैं उनको तो कंसाइनमेंट बोलते हैं। तो वही बोल रहा है जो कंसाइनमेंट है मतलब जिसमें बाद में मतलब जो किए है उनको, मतलब कहाँ से वो क्रेडिट होंगे, किसी अकाउंट में वो क्रेडिट होंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आपका जो लॉस हुआ है कंसाइनमेंट में वो किसमें मतलब ऐड हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट आंसर करना कंसाइनमेंट अकाउंट। क्योंकि देखो कंसाइनमेंट के बाद इसलिए तो मैं पहले से मतलब डिफेंड बोल दिया ना, जो कंसिनी क्या है एंड कंसाइनमेंट क्या है, तो इसलिए जो कंसाइनमेंट का जो भी लॉस है उसके अकाउंट में भी ऐड होगा ना, इसीलिए कंसाइनमेंट हो जाएगा आंसर। उसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर द जॉइंट वेंचर द अमाउंट इज डेबिटेड टू। वो बोल रहा है मतलब जॉइंट होकर एक वेंचर आपके पार्टनरशिप किए हो, वहाँ पर कोई आपके पार्टनरशिप से या फिर पार्टनरशिप आपके पार्टनरशिप से कोई परचेज कर रहा है मतलब द्रव्य मतलब गुड्स कोई खरीद रहा है, तो वो बोल रहा है वो अमाउंट जो वहाँ पर आप खरीदोगे तो कहाँ से डेबिट हो जाएगा, डेबिटेड कहाँ हो जाएगा, तो जो जहाँ भी आपका डेबिटेड होगा वो हो जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। सिंपल सा बात, देखो व्हेन गुड्स एंड आर परचेज्ड फॉर द जॉइंट वेंचर के लिए, जैसे कि वहाँ पर था कंसाइनमेंट में जो लॉस हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा ना, और फिर कोई बहन करेगा कि आपका लॉस हुआ है आप भरोगे ना, इसी हिसाब से याद कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ जो जॉइंट वेंचर है गुड्स के लिए परचेज करना है, वहाँ पर जो अमाउंट डेबिटेड होता है मतलब वो बोलता है कहाँ से मतलब कहाँ डेबिटेड होता है, मैं वही बोलने वाला हूँ, जो डेबिटेड होता है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में होता है। जॉइंट वेंचर अकाउंट से आप परचेज किए हो तो वहाँ पर भी तो आपका डेबिटेड हो जाएगा ना। उसके बाद देखो 66। ओके वही, तो उसके बाद देखते हैं 66। 66 में क्या होगा, वही होगा कि रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाला रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एटा होला 4 लाख। ओके, ये से कहूँ 4 लाख अच्छी, 5 लाख अच्छी, 6
6,25,000 से 3,75,000 है यहाँ पर, इसलिए वो बोल रहा है। देखो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% आपका जो प्रॉफिट है एक कॉस्ट के ऊपर आपका है 25% प्रॉफिट है, तो वो बोल रहा है जो आप सेल किए हो वो किए हो 20 लाख का, तो वो बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, मतलब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इतना हुआ है मतलब कितना हुआ है, तो ये हुआ तो मतलब 20 लाख का, सीधी सी बात उसका 25% निकाल दो। ओके 25% निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो रेट ऑफ ग्रोथ ग्रोथ पर भी 25% हुआ है ना, तो वहाँ पर जितने भी सोल्ड हुआ है वहाँ पर जो आपका प्रॉफिट हुआ है 25% हुआ है, तो वो बोला है ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 20 लाख का जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे मतलब इसका जो प्रॉफिट निकालेंगे 25%, 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब क्या हुआ, 5 लाख हो गया, हुआ कि नहीं, वही मतलब 5 लाख हुआ हो गया, लेकिन आप क्या सोचोगे ना, 5 लाख तो हुआ उसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा ना, देखो यहाँ पर जो आंसर होगा लेकिन 5 लाख नहीं होगा, 4 लाख होगा, क्यों होगा ना, देखो वहाँ पर जो आपका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है वो बोला मुझे तो खोलेंगे तो अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, देखो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है, लेकिन जो आपका हाँ अब जो गोर्स लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ पर होता है मेरे को बोलो, कहाँ पर होता है, मतलब 25% जो होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है ना, कॉस्ट प्राइस, लेकिन ये सेल प्राइस है, इसलिए आपको पहले क्या करना है ना, ये 125 जो है मतलब देखो मैं जैसे कि मतलब परसेंटेज में भी मैं बोल चुका हूँ थोड़ा, वहाँ पर जब भी इसका भी जो पेपर डिस्कशन कर रहा था, मतलब देखो प्रॉफिट लिखा है जितना परसेंट 100 से मतलब ऐड करना ऐड करके उसको मतलब जो सेल किए हो वो प्राइस से आपको मतलब क्या करना है, कंपेयर करना है, वो 125 को आपको 20 लाख से कंपेयर करना है, ये एक कितना आता है फिर 100 कितना आता है, मतलब जो भी है वो है आपका मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस से फिर 25 उसका निकालना जो आ जाएगा 4 लाख आ जाएगा। ओके ओके फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके देखो 67 हुआ ना वहाँ पर है, यहाँ पर देखो हाँ यहाँ पर बहुत बढ़िया है, देखो ब्रांच अकाउंट अंडर डेप्टर सिस्टम इज, डेप्टर सिस्टम के अंडर में, डेप्टर सिस्टम के अंडर में जो ब्रांच अकाउंट होता है वो क्या होता है, डेप्टर, डेप्टर मतलब जो डेबिट करते हैं, मतलब वही बोला कि डेप्टर के सिस्टम में ब्रांच अकाउंट अंडर, ब्रांच अकाउंट अंडर डेप्टर सिस्टम इज, ब्रांच अकाउंट अंडर डेप्टर सिस्टम इज नॉमिनल अकाउंट, ब्रांच अकाउंट अंडर डेप्टर सिस्टम मतलब जो डेबिट करते हैं, मतलब डेप्टर सिस्टम में जो ब्रांच अकाउंट होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट, ब्रांच अकाउंट अंडर डेप्टर सिस्टम, डेप्टर सिस्टम में जो भी डेप्टी डेबिट करते हैं या फिर जहां पर डेबिट हो जाता है, मतलब डेप्टर सिस्टम मतलब जिस अकाउंट में डेबिट हो जाता है वहां पर जो ब्रांच अकाउंट होता है वो क्या होता है, जहाँ पर भी डेबिट हो जाता है वो नॉमिनल जैसा अकाउंट होता है उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, ब्रांच अकाउंट जहाँ पर डेबिट हो जाता है उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ओके हाँ चलो वहाँ पर फिर देखते हैं, उसके साथ ही साथ 28 में क्या होगा, वही 21 में ही हो जाएगी, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपॉन अपोर्शन ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू, अपोर्शन ओवर डिफरेंट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपॉन्टेड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ, जो इलेक्ट्रिक पावर का जो कॉस्ट है वो कहाँ मतलब किस रेशियो से वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, पढ़ो जी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपॉर्शन्ड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, तो हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाई मशीन आवर्स, दो देखो यहाँ पर वही बोल रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक पावर का जो मतलब जिसको आता है मतलब कैसे करना है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर में वहाँ पर अभी देखते हैं, देखो हाँ इलेक्ट्रिक पावर में जो कॉस्ट आता है वो शुड भी मतलब इलेक्ट्रिक पावर को मतलब कैसे मतलब कौन सा यूनिट में हम मतलब जानते हैं, वो जानते हैं हम हॉर्स पावर्स में, इसलिए एक 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट होता है, तो वहाँ पर सीधी सी बात जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वहाँ उसको वाट से कन्वर्ट करते हैं, वाट से वो हॉर्स पावर में मेंशन करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर हॉर्स पावर भी पॉइंट उठा कर देख सकते थे, जहाँ पर देखो वहाँ यहाँ पर बी एंड सी डी में हॉर्स पावर नहीं है, तो जो जहाँ पर हॉर्स पावर वाट है वो है ए एंड सी, तो आप क्या करोगे
फिर देखोगे क्या हो सकता है, मतलब अच्छे से एक दो बार, एक नहीं दो दो या तीन बार, मतलब जब भी पढ़ते हो पढ़ो तब भी याद रहेगा। उसके बाद वही बोला है, मतलब जो हम द कॉस्ट पे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो जिसका मतलब कॉस्ट है वो यही है कि अपोर्शन ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट में, अलग अलग सा डिपार्टमेंट में वो क्या हुआ है, वो मतलब अपोर्शन हुआ है, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट से वो अकॉर्डिंग यही हुआ है, मतलब क्या उसका मतलब द कॉस्ट देखा जाता है क्या है, हॉर्स पावर मोटर्स नहीं, हॉर्स पावर देखो, हॉर्स पावर एक मोटर हो गया तो उसी के अंदर में ओनली मोटर से लेकर हम हॉर्स पावर का मतलब कैलकुलेट करेंगे। तो फिर मेरे को बताओ आपका जो भी अलग अलग सा इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स घर में होगा, डिवाइस होगा, वहाँ पर कैसे करोगे? इसीलिए हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाई मशीन आवर्स, हॉर्स पावर मशीन पावर ही हो। उसके साथ देखो 7069 हम देखते हैं, ओके 69 देखते हैं, जो 69 है क्या है, 69 जो है यहाँ पर है कि अंडर हुई स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेस्क्राइब, द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेस्क्राइब अंडर हुई स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेस्क्राइब, वो हो जाएगा आपका स्केड्यूल थर्ड आई, राइट। अंडर हुई स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट का कौन सा है, मतलब स्केड्यूल में द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो मतलब आपका प्रेस्क्राइब होता है। देखो ऑलवेज एक कंपनीज में, एक कंपनीज के स्केड्यूल के अंडर में जो कंपनीज एक्ट जो 2013 होता है वहाँ पर जो भी मतलब स्केड्यूल है, फॉर्मेट है, वहाँ पर जो फाइनेंस स्टेटमेंट है ये ऑलवेज स्केड्यूल थर्ड आई में आता है। देखो मतलब देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है एकदम अच्छे तरीके से, मतलब एक ही चीज़ को याद करना है जो फाइनेंस स्टेटमेंट में आता है वो है स्केड्यूल थर्ड आई, ओके। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी में है देख लेना। हाँ उसके बाद क्या है, इसके बाद है वो 70 क्वेश्चन, राइट। इसके बाद है आपका 70th क्वेश्चन, 70th क्वेश्चन ये, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, व्हाट? वो बोल रहा है कि आपका मतलब प्रोविजन, मतलब जो भी, मतलब देखो आप सपोज मैं एंड मेरा फ्रेंड दो ही हम प्रॉफिट मतलब एक पार्टनरशिप होके कुछ कर रहे हैं, वहाँ पर एग्रीमेंट में हम दोनों ही प्रोविजन है ना, मतलब वही बोल रहा है, तो जहाँ पर दोनों ही प्रोविजन होंगे वहाँ पर जो प्रॉफिट लॉस हो जाएगा तो पार्टनर्स के बीच में वो शेयर करा जाएगा, तो पार्टनर्स के बीच में जो शेयर करा जाएगा तो मतलब वो बोल रहा है मतलब कैसे शेयर करा जाएगा, ये डायरेक्ट जैसे देखो मैं एग्जाम्पल जैसे कि देते देते भी आपको मतलब आ जाता होगा, मतलब कुछ ना कुछ मतलब आपके दिमाग में, मेरे भी यही इससे ही मतलब आता था, वही है इक्वली, जो आप दोनों ही कर रहे हैं तो इक्वल हो जाएगा ना, बाकी सब ऑप्शन नहीं होगा, ओके। तो चलो 71 में चलते हैं, 71 ऑप्शन देखो, हाँ वहाँ पर, यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर है वर्कर्स कमेटी या फिर वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्क्स कमेटी हो बा सेफ्टी कमेटी हो बा कैंटीन मैनेजमेंट हो, ये जो बड़ा कमेटी बड़ा से बड़ा आर द एग्जाम्पल, वो मतलब वो कैसा टाइप का मतलब एग्जाम्पल है, वर्क कमिटी हो जाए या फिर सेफ्टी कमिटी या फिर कैंटीन मैनेजमेंट कमिटी, ये जो है ये सभी के सभी मतलब वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बोल सकते हैं। देखो वर्क्स कमिटी सेफ्टी कमिटी वो दोनों तो आप देख सकते हो, ओनली वर्कर्स एजुकेशन स्कीम से नहीं होगा, वर्क कॉरपोरेटिव से मैनेजमेंट हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा, सेफ्टी में भी थोड़ा बहुत कॉरपोरेटिव से भी आ सकता है लेकिन सजेशन स्कीम से नहीं होगा, लेकिन देखो कॉरपोरेटिव हालांकि ये एक वर्कर्स के बाद मतलब पार्टिसिपेशन के अंडर जाएगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन के अंडर में बहुत है, कॉर्पोरेशन हो गया तो ओनली वर्कर्स कॉर्पोरेशन भी अलग से है, इसीलिए जो बहुत सारे कमिटीज बोल देगा ये एक मतलब किसका एग्जाम्पल होगा, मतलब बहुत सारे कमिटीज जो किसका एग्जाम्पल होगा डायरेक्ट से करना वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट से होगा, राइट। अच्छा 72 देखिए, 72 कौन दीजिए, 72 में क्या दिया है अब देखते हैं, 72 में यही दिया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा जो इलो, इलो मीन्स ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर के लिए जो इंटरनेशनल सेक्टर में जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो फिलाडेल्फिया के डिक्लेरेशन से बना था, जो भी मतलब बना था वो सब बहुत कुछ एम एंड प्रपोजेस था वहाँ पर, लेकिन डायरेक्ट ये बताना मतलब ILO जो है, ILO के अंडर में जो जो रेगुलेशन एंड प्रपोजेस एम्स था मतलब उसी बारे में पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है, मतलब कौन बहुत सारे था लेकिन इस मतलब इसी फोर ऑप्शन में चार ऑप्शन से कौन ऐसा है कि नहीं था,
ओके, तो आपको यही सीधी सी बात वही करना है कि आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है, मतलब देखना है, ऑब्जर्व करना है। देखो पहले से मैं ही बोल देता हूँ, मतलब लेबर इज नॉट ए कम्युनिटी। नो, इसी लेबर तो कम्युनिटी है, इसलिए तो वो मतलब इसी इसका नाम तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन प्रोग्रेस। नहीं देखो, एक प्रॉब्लम देखो यहाँ पर नहीं होगा, तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन में अलग सा मतलब बहुत सारे, मतलब मैं भी जैसे जानता हूँ आप भी जानते होंगे, मतलब यूनाइटेड सपोज हो गया, मान लो यूनाइटेड नेशन आपका, यूनाइटेड नेशन का और जो शांति के लिए यूनेस्को भी है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन पीस रेगुलेशन में वहाँ पर मतलब एसोसिएशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है, एसोसिएशन होता है, यहाँ पर एसोसिएशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो ओनली एंड ओनली एसोसिएशन बोलता तो सही होता, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोल दिया, वो मैंडेटरी नहीं है। सॉरी, मैं मतलब रिवर्स बोल दिया, एसोसिएशन मतलब होना कोई आवश्यक ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन होना चाहिए। मतलब आप एक लेबर हो, लेबर कमीशन से जुड़े हो, लेबर कमीशन ऑल की तरफ से बनाए हो, तो आपका भी एक्सप्रेशन होना चाहिए। पॉवर्टी पॉवर्टी एनी वेयर कॉन्स्टिट्यूट डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। नहीं, डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर ऐसे ही नहीं हो सकता है, मतलब एनी वेयर कॉन्स्टिट्यूट डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी, नहीं, प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर बहुत सारे जगह है जो डेंजर ही रह जाता है, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी भी नहीं होता है। ओके, उसके बाद क्या है कि लास्ट है, देखो आपको जैसे पता चले तीन ही नहीं हुआ लास्ट में तो होगा ना, तो आप भी फिर पढ़ लेता हूँ। द वार अगेंस्ट वॉन्ट रिक्वायर्स टू बी कैरियड ऑन विथ अनरिलेंटिंग विगर विद इन ईच नेशन एंड इज सोली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वो बोल रहा है जब भी मतलब हमारे वार होगा, मतलब युद्ध हो जाएगा, मतलब हमला हो जाएगा एक और अलग देश में, मतलब आपस में कोई ऐसे दो देश आ गए, जैसे कि अभी अभी हाल ही में मतलब जैसे गाजा स्ट्रिप में अटैक किया था, या फिर इसराइल को, इसराइल मतलब मान लो गाजा स्ट्रिप जहाँ पर है, मतलब इसराइल किसको मतलब अटैक कर रहा था किसको, हाँ इसराइल जिसको अटैक कर रहा था वो वहाँ पर गाजा स्ट्रीम में ज़्यादातर मतलब अटैक कर रहा था। ओके, तो इसलिए इसराइल जहाँ पर भी अटैक किया था, मतलब इसराइल जिसके अंडर में था, कभी कहीं ना कहीं अभी ऐसा समय आ गया इसराइल ज़्यादातर मतलब जिस जैसे भी मतलब एरिया है वो कवर कर रहा है। हाँ, मतलब जेरूजलम से वहाँ पर भी लेकर वहाँ पर जो भी गाजा स्ट्रीप में, वो गाजा स्ट्रीप के आतंकवादी बहुत हैं, वहाँ पर अटैक कर रहा है। तो वहाँ पर वो बोला ऐसे हम नहीं करें, हमें एक पीस मतलब शांतिपूर्ण से कुछ भी मतलब रिजोल्यूशन निकाल लेंगे। ओके, तो चलो मतलब शांतिपूर्ण से सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हो जाएगा। अभी चलो देखते हैं, वो 73 था, 73 में देखते हैं, चलो 72 का 73 में यही है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द फाइव फंक्शनल टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म आइडेंटिफाई बाय रॉबर्ट हॉक्सी। वो बोला है मतलब रॉबर्ट हॉक्सी एक जो भी थे मतलब आपका मतलब जो सोशलिज्म ऊपर एक मतवाद दिए थे, वो बोल रहे हैं जो हमारा मतलब जो लेबर लेबर की कॉस्ट है वहाँ पर जो भी है, वहाँ पर जो एक रॉबर्ट हॉक्स बोल रहे हैं, जो यूनियनिज्म एक मतलब वर्ड आता है, मतलब ये वर्ड भी आता है वहाँ पर, उसका बोल रहे, उसका तो बहुत सारे फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर कौन ऐसे फंक्शन है जो रॉबर्ट हॉक्स ने बोल रहे हैं वो यूनियनिज्म के लिए फंक्शन है, ऐसे ही मान के चलो। मतलब रॉबर्ट हॉक्स के द्वारा बोला गया यूनियनिज्म में कौन सा एक यूनियनिज्म नहीं है, मतलब फंक्शनल टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म नहीं है। ओके, यूनियनिज्म नहीं है, तो देखो बिजनेस यूनियनिज्म एक बिजनेस था, वहाँ से भी यूनियनिज्म हो रहा है, मतलब होता है वो तो हो गया फिर, सही है। उसके बाद प्रेडेटरी यूनियनिज्म, प्रेडेटरी यूनियनिज्म वो भी हो गया, उसके साथ ही साथ रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म वो भी हो गया, उसके साथ ही साथ वो बोल रहे हैं मतलब क्या है जो बाकी रहेगा, वो क्या है ना जो बाकी रहेगा, इवोल्यूशनरी यूनियनिज्म हो गया। ओके, रिवोल्यूशनरी देखो हो गया, मतलब देखो रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म वो रिवोल्यूशन टाइप में अलग सा एक यूनियन खड़ा होंगे वो तो हो गया, प्रेडेटरी भी हो जाएगा, बिजनेस भी हो जाएगा, लेकिन देखो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में मतलब कुछ उत्पत्ति, मतलब कुछ प्रोडक्शन जैसे यूनियनिज्म, प्रोडक्शन जैसे यूनियनिज्म वो नहीं होगा। ओके, उसके बाद फिर देखते हैं 74, राइट, यहाँ पर हो गया मतलब आपका 74, 74 मतलब व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन व्हिच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयर इन्वॉल्व इन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर ब्रॉट टुगेदर बिफोर ए थर्ड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु फैसिलिटेट्स और फैसिलिटेट थ्रू मेडिएशन टू रीच ए म्यूचुअली सेटिस्फेक्टरी एग्रीमेंट। वो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा है ऐसे प्रोसेस है जिस प्रोसेस में लेकर हम जिस प्रोसेस से जैसे कि हमारे एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, जहाँ भी जो भी इंडस्ट्रियल में हो, जो यहाँ पर वहाँ पर जो डिस्प्यूट हो जाते हैं उसको मतलब क्या है, उसको मतलब
म्यूचुअली एग्रीमेंट करा के उसका सॉल्व करा था, मतलब आपका कंपनी में वर्कमैन एंड वर्कर में, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में कुछ मतलब क्या मतलब बहुत कुछ मतलब आपस में झगड़ा हुआ है, आपस में झगड़ा हुआ है, गुस्से हो गए हैं एम्प्लॉय वाले, तो क्योंकि एम्प्लॉयर हमको सही ढंग से मतलब तनख्वाह या व्यवहार नहीं करता है, तो इसलिए वो बोला है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रोसेस इन व्हिच वर्कमैन एम्प्लॉय, बस ऐसे ही है, मतलब कौन सा एक प्रोसेस है जहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट होके आपका जो मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में जो भी मतलब मतभेद हुआ है उसको सुलझा जा सकता है। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर कंसलेशन, वर्ड देख के भी आप समझ सकते हो, आर्बिट्रेशन वो नहीं होगा, आर्बिट्रेशन तो मतलब आपके किसी के पास मतलब कुछ रह गया मतलब आर्बिट्रेशन हो गया, एडजुडिकेशन भी हुई है, कलेक्टिव नेगोशिएशन हुई है, लेकिन कंसलेशन जो है वो है म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी एग्रीमेंट। राइट, तो चलो फिर देखते हैं क्या होता है, चलो 75 देखते हैं। राइट, 75 देखते हैं, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में भी रेफर्ड, वो बोल रहा है क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है मतलब क्वेश्चन जो है मतलब क्वेश्चन एक एप्लीकेशन के और या फिर इंटरप्रिटेशन से लेकर स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड के आते आते वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट का एक एक्ट होता है 1946 में वहाँ से रिफर करता है, वो बोलता है मतलब क्वेश्चन यहाँ पर जो भी जितने भी ऑप्शंस है क्या कौन सा ऑप्शन यही मतलब राइट आंसर होगा जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 के अंडर उसके तहत मतलब एप्लीकेशन को इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफिकेट के साथ, वही है, तो वो जो है वो है लेबर कोड। ओके, वो जो है लेबर कोड, देखो वहाँ पर वही वो है कि क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जो भी मतलब एप्लीकेशन वगैरह है इंटरप्रिटेशन में वो स्टैंडिंग ऑर्डर में वो सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयड एक्ट किसी तरह हो जाता है। जो स्टैंडिंग ऑर्डर मिलता है एक 1946 के अंडर एक्ट के एम्प्लॉय एक्ट के अंडर वो किसी में आता है, वो आता है मैं जैसे कि बोला वो आता है किस में ना, वो आता है लेबर कोर्ट में। देखो एक एक्ट एंड फिर आपको ऑर्डर भी मिलता है, इसे ऑर्डर से या मतलब इसे लिंक कर सकते हो, ऑर्डर से कोर्ट से मिलता है ना, एम्प्लॉय ऑर्डर 1946 में एक लेबर एक्ट के तहत जहाँ मिलेगा वो लेबर को एक कोर्ट में मिलेगा, इसलिए लेबर का एक कोर्ट। ओके, ये ज़्यादा मतलब होशियारी से ज़्यादा करके इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर देना, बहुत सारे ऐसे ये भी इसको भी टिक कर सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, 76 देखो 76 क्या हो गया, 76 पर यही है कि 76 पर क्या है ना, ये यूनियन हुज मेंबरशिप में कवर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन मेनी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट्स इज नोन एज, ये यूनियन हुज मेंबरशिप एक यूनियन है जिसका मेंबर जो भी है वो क्या कवर करेंगे ना, एम्प्लॉयमेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड कवर करेंगे, एम्प्लॉयड के साथ ही साथ उनका जो एम्प्लॉयमेंट में उनके देंगे उसके साथ उनको जो क्राफ्ट है उसको भी देखते हैं, वो जैसे यूनियन होता है मतलब एम्प्लॉय जनरेशन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी सब कुछ करेंगे, उसके साथ ही साथ उनका क्राफ्ट के ऊपर भी बात करेंगे, उनको क्राफ्ट के ऊपर भी बात करेंगे, उसको बोलते हैं जनरल यूनियन। ओके, हाँ उसको बोलते हैं आपका मतलब जनरल यूनियन, उसको बोलते हैं आपका जनरल यूनियन। राइट, क्योंकि वो जनरल यूनियन इसीलिए उसका मतलब यूनियन का नाम है क्योंकि वो सब कुछ कराता है ना, जो सब कुछ कराता है वो थोड़ी ना इंडस्ट्री का मतलब किसी नेम से रिलेट होगा, यहाँ पर रीजन को इंडस्ट्री एक नेम, क्राफ्ट एक नेम, इंडस्ट्री एक नेम, जनरल हो जाएगा। ओके, जो सब कुछ करता है मतलब एम्प्लॉय से लेकर एम्प्लॉय से देने तक, एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट करने तक, क्राफ्ट से लेकर सब कुछ करता है। उसके बाद देखते हैं फिर, चलो 77 क्वेश्चन अभी हो गया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट बोथ द पार्टीज स्ट्राइव एंड हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक वेजेस एंड बेनिफिट्स एज वेल एज पॉलिटिकल कंट्रोल। वो बोल रहा है ऐसे भी क्या प्रोस्पेक्टिव्स या विचारधारा है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को
मतलब अजम्पशन करते हुए बोथ पार्टी को मतलब स्ट्राइव करता है एंड एक्सरसाइज इकोनॉमिक एंड वेजेस बेनिफिट को भी मतलब पॉलिटिकली पावर से भी कंट्रोल करता है। वो बोलता है मतलब इसे क्या फिर प्रॉस्पेरिटीज या विचारधारा है जहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन में इकोनॉमिक का मतलब जो पॉलिटिकल भी कवर मतलब इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल दोनों ही तरीके से भी एक मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन में पॉलिटिकल भी पावर भी रह सकता है, इकोनॉमिक तो है ही है, लेकिन देखो क्योंकि इकोनॉमिक बिना इकोनॉमिक से तो आपको इंडस्ट्रियल भी कुछ भी नहीं है, आप नहीं बना सकते, यहाँ पर पावर भी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन वो बोला उसके साथ साथ भी पॉलिटिकल से भी मतलब वो इंडस्ट्रियल मतलब जो ऐसा विचारधारा है जहाँ पर एक इंडस्ट्री में बहुत इकोनॉमिकल भी मतलब उसके हिसाब भी एक इंडस्ट्री चलता है, पॉलिटिकल से भी चलता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो बोल रहा है उसको बोलते हैं यूनिटरी या फिर रेडिकल या फिर ट्रस्टीशिप। नहीं, ट्रस्टीशिप नहीं हो सकता। देखो एक पार्टी होगा तो कॉन्स्टेंट पार्टी होता तो ट्रस्ट आ जाता, मतलब ट्रस्टीशिप हो जाता, वो तो नहीं होगा। रेडिकल मतलब क्या सिर्फ एंड सिर्फ गलत तरीके से लिए यूज़ कर सकते हैं हम पॉलिटिकल को, नहीं मतलब वैसे मिले भी नहीं। यूनिटरी मतलब एक ही विचारधारा, यूनिटरी जैसा नहीं, मतलब देखो ट्रस्ट आ जाएगा लेकिन यूनिटरी का मतलब भी और खतरनाक हो गया, मतलब एक ही विचारधारा नहीं, ट्रस्ट और जो जहाँ पर होगा एक ही विचारधारा नहीं होगा, इसलिए जो है प्लूरालिस्टिक है बहुत तरीके से, मतलब बहुत ऐसे जैसे मतलब इसलिए जो है प्लूरालिस्टिक है। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं 78। ओके 78 देखते हैं। हाँ 78 में क्या है ना, 78 है द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड अंडर। वो बोला है तो वर्कर्स के लिए जो प्रोविजन है वो किसी आर्टिकल में मतलब बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक इंडस्ट्री में जो वर्कर्स के लिए जो प्रोविजनल पार्टिसिपेशन है, जो प्रोविजन है मतलब जो प्रोविजन है वर्कर के लिए वो कहाँ पर मतलब इंडस्ट्री में कहाँ पर प्रोवाइडेड होता है, किसी आर्टिकल में, किसी आर्टिकल में एक इंडस्ट्री में वर्कर का पार्टिसिपेशन होता है, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होता है, वो जो है वो है आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। वो जो है वहाँ पर होता है कि आर्टिकल 43A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बस ऐसे ही डायरेक्ट याद रखना कि एक इंडस्ट्री में वर्कर्स के लिए जो प्रोविजन है, एक इंडस्ट्री में तो बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके सेफ्टी के लिए तो कुछ प्रोविजन्स होगा। वो बोल रहे हैं जो भी प्रोविजन्स है एक इंडस्ट्री में तो वो किसी आर्टिकल में आता है, किस आर्टिकल्स में आता है जरूर याद रखना, आर्टिकल 43A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे मतलब 43 तो याद रखेंगे लेकिन ये या फिर बी से कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एकदम जरूर से जरूर मतलब ध्यान से याद रखना जो वर्कर के लिए मतलब जो महत्वपूर्ण बात होता है, बाकी का बात तो बाद में बात होता है, लेकिन कौन एम्प्लॉय डिले करता है या फिर पैसा मतलब तनख्वाह सही टाइम पे एम्प्लॉयर दे देता है वो तो बाकी की बात है, लेकिन अभी जो हालांकि जो बात है वो है आर्टिकल 43 के अंडर उनके लिए जो मैनेजमेंट एक प्रक्रिया या फिर वर्कर्स पार्टिसिपेशन हो जाता है। ओके उसके बाद फिर देखते हैं, चलो 79 79 देखेंगे। 79 जो हो गया है वहाँ पर है गया ना, हाँ यहाँ पर है, सॉरी हाँ देखो यहाँ पर क्या 79 है, 79 जो है वहाँ पर, यहाँ पर है कि हुई जन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। वो बोला है जो ट्रेड यूनियन के लिए एक ट्रेड यूनियन का एक सिक्योरिटी टाइप का मतलब मेजर होता है, वो बोल रहा है यहाँ पर सब कुछ है लेकिन कौन ऐसा है कि नहीं है, जो नहीं है वो है ओपन शॉप। देखो इसीलिए कि नहीं है लेकिन सिक्योरिटी मेजर नहीं था ओपन जो शॉप, ओपन जैसा मतलब एक कुछ कुछ मतलब ट्रेड ओपन जैसा हो रहा है ओपन शॉप, उसके लिए कुछ सिक्योरिटी कुछ किया जाएगा नहीं किया जाएगा ना। बस यूनियन के लिए तो ज़्यादा सिक्योरिटी है, उसके साथ साथ एजेंसी तो जो एजेंसी के अंडर उनके लिए भी है जो क्लोज्ड है, उसके मतलब क्लोज सब कुछ क्लोज है वहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन ओपन क्या है उसको तो क्लोज नहीं हुआ है लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं लगेगा। बस ओपन इसीलिए एक सिक्योरिटी मेजर्स में नहीं आएगा, मतलब मुक्त हो जैसे मतलब खुला आम घूम रहा है, मतलब खुला आम सब कर रहा है, इसलिए भी उसका लिए सिक्योरिटी नहीं लग सकता, इसे भी रिलेट करके याद रख सकते हो। इसके बाद क्या, इसके बाद देखते हैं 80 क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन में आओ। यहाँ पर लिखा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैचूटरी मशीनरी फंक्शनिंग एट द सेंट्रल लेवल। वो बोला है सेंट्रल लेवल में जो एक मशीनरी फंक्शनिंग होता है स्टैचूटरी वो क्या है, जो मशीनरी फंक्शनल होता है मैं जैसे ही बोल चुका हूँ वो होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ओके देखो और जो सब बाकी जो है वो स्टैचूटरी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ नहीं है, हाँ दोस्त वो मतलब टेम्परेचर जैसा अभी अभी हाल ही में जो आया है ऐसे टाइप का, लेकिन जो स्टैचूटरी है कि मतलब ऑटोमेटिक से एक गवर्नमेंट के अंडर ये फंक्शन हो गया है एक या फिर यूनियन जैसे बन गया है
वहाँ पर भी सब कुछ होगा, चेयरमैन से लेकर सब कुछ एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट वहन करेगा स्टैचूटरी में, वो होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC। ESIC एक ऐसा ही है, एकमात्र ESIC है जो जहाँ जो मशीनरी फंक्शन के लिए एक स्टैचूटरी बॉडी, स्टैचूटरी बॉडी सेंट्रल लेवल के लिए सिर्फ एक ही है, वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC। ओके उसके बाद फिर देखते हैं इसके बाद जो है क्या है ना, इसके बाद वो है हुई जन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर, वही बोल रहा है जहाँ पर जो सिटीजन कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है लेबर के लिए, लेबर के लिए जो सिटीजन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्या है, फिर जो यहाँ पर जो सिटीजन कॉन्सेप्ट है वो है आपका लेबर के लिए जो सिटीजन कॉन्सेप्ट है वो है लेबर इज लार्जली रिगार्डेड बाई द एम्प्लॉयर्स एज ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडस्ट्री। सिटीजन कॉन्सेप्ट लेबर के लिए जो सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है, लेबर इज लार्जली रिगार्डेड बाई द एम्प्लॉयर्स एज ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडस्ट्री। लेबर 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 इज लार्जली रिगार्डेड, हाँ लेबर इज लार्जली रिगार्डेड ये हो सकते हैं, उसके साथ ही साथ फिर हो सकता है ना, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन देखो यहाँ पर यही बोला गया लेबर लेबर इज लार्जली रिगार्डेड बाय द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स के द्वारा ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन लिए एक लेबर मतलब लार्ज रिगार्डेड द एम्प्लॉयर्स, नहीं वो तो नहीं होगा। फिर इसके बाद बोला गया है कि लेबर इज अफेक्टेड बाय द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के लिए लेबर को लेबर अफेक्ट हो जाते हैं, नहीं तो स्मूथली वो भी मेंटेन हो सकते हैं। उसके साथ ही साथ वो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, जो लेबर हैज ए राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म एंड कंडीशन अंडर व्हिच दे आर सपोज्ड टू वर्क, ये एकदम सही बात है, ये मतलब ये जो है सिटीजन से लिए कॉन्सेप्ट है। तो ए में था, बी तो कभी ही नहीं हुआ, ए में जो था लेबर लार्ज रिगार्डेड एम्प्लॉयर्स एज ऑपरेटिंग, नहीं लार्ज रिगार्डेड नहीं हो सकता, देखो लेबर लार्जली नहीं हो सकता, देखो देखो क्योंकि देखो लेबर के साथ भी मशीनरी जहाँ पर है, मान के चलो एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर लेबर कम है लेकिन मशीनरी ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या लार्ज रिगार्डेड लेबर हो जाएगी, हो सकता है क्या, नहीं होगा ना, इसलिए तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए सी होगा बस, ये फिर ये ओनली मशीन नहीं, ना ही डी ना ही ए, ए डी मिलाकर जो ऑप्शन है सी वो हो जाएगा मशीन के साथ वो सब कुछ। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, ओके 82 देखते हैं, देखो हाँ 82 क्वेश्चन में यही दिया गया, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1942। वो बोल रहा है जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है उसके तहत कौन से मतलब बोर्ड से चेयरमैन बन सकते हैं, 1948 के मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत कौन से एडवाइजरी बोर्ड के कोई ना कोई चेयरमैन बन सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर्स है ऑफ द बोर्ड जो बोर्ड्स में नहीं होगा, इसलिए भी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इसलिए भी करते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन ना हो, इसलिए वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। ओके उसके बाद चलो फिर 83 क्वेश्चन में चलते हैं, 83 जो क्वेश्चन यहाँ पर है क्या है ना, 83 जो क्वेश्चन है यहाँ पर है जो स्टेट लीड अंडर में जो सेवेंथ स्केड्यूल में जो स्टेट लिस्ट आता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ जो सेवेंथ स्केड्यूल में स्टेट लिस्ट आता है उसमें वो बोल रहा है वो इसमें से कौन सा ऐसा है जो स्टेट लिस्ट में आता है, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेवेंथ स्केड्यूल में, सेवेंथ स्केड्यूल में कौन है जो स्टेट लिस्ट के मतलब अंदर में आता है, कौन है, हाँ यही है कि रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल वही आता है, रेगुलेशन ऑफ द लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस, नहीं स्टेट लिस्ट में मतलब ये नहीं आएगा लेबर, देखो जब भी लेबर का कुछ वर्ड आ जाएगा ये मान लेना आपका जो कंट्री का मतलब स्टेट लिस्ट है नहीं है वो जो है सेंट्रल लिस्ट में हो जाएगा। रेगुलेशन कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये भी जो सॉल्ट है ना ये भी हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा, हाँ सॉल्ट भी जो हो जाएगा कंकरेंट मतलब कंकरेंट लिस्ट में हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस ये जो हो जाएगा फिर आपका भी सेंट्रल लिस्ट में, लेकिन जो बाकी मतलब एक डिसेबल्ड एक अनएम्प्लॉयबल होगा वहाँ पर कि देखो जो डिसेबल्ड या फिर अनएम्प्लॉय होगा मतलब एक स्टेट से मतलब उसको मतलब जनगणना जब करते हैं मतलब सेंसस करते हैं उसमें लिखा जाता है ना कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा मतलब स्किल्ड स्टेट है एंड कौन ऊपर से स्किल है कौन नीचे से स्किल है, इसके साथ ही साथ आपका नीचे में क्या है फिर ऊपर में क्या है ना? उसके साथ ही साथ फिर कौन ऐसा मतलब स्टेट है जहाँ पर डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर है, इसलिए
डायरेक्ट दिशा वाले नॉन एम्प्लॉय जो है वो आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखते हैं 84 क्वेश्चन जो है वहाँ पर लिखा गया है कि तो एजम्पशन दैट मैन इज सेल्फ एंड सेल्फ सेंटर्ड, मैन इज सेल्फ एंड सेंटर्ड एंड ऑलवेज ट्राइज टू अचीव हिज ओन एंड्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एक्सपेंस व्हिच थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। वो बोला है जो लेबर का जो वेलफेयर है कौन से मतलब वो बोला है जो स्टेटमेंट है मैन इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, मैन जो है वो स्वार्थ है स्वार्थी है एंड ऑलवेज खुद को मतलब सोचता है खुद के लिए वो दावेदार होता है वो मतलब खुद को सेंटर मतलब फोकस करता है ऑलवेज ट्राई टू अचीव हिज ओन एंड्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर, अदर के कुछ भी हो ना क्यों वो खुद के लिए भी सब कुछ मतलब ओनली ओनली वन एंड ओनली मतलब खुद के बारे में सोचता है खुद में ऐसे भी सोचता है मतलब किसी के भी नुकसान हो ना क्यों इसका बस प्लस पॉइंट वो मतलब इसका मतलब काम हासिल होना चाहिए उन लोगों को। वो जो थियोरी है लेबर ऑफ वेलफेयर एक्सप्लेन उद इन हाँ कौन सा थियोरी में वो आता है मतलब ये जो थियोरी है कौन सा थियोरी में लेबर वेलफेयर में ये कौन सा थियोरी में आता है ओके वो जो थियोरी में कौन सा थियोरी में आता है ना वो आता है मतलब आपका पोलिस थियोरी में आता है। पोलिस थियोरी ऐसा ही होता है मतलब पोलाइज थियोरी जो है वही होता है। प्लाकेटिंग तो नहीं हुआ ये पॉजिटिव बात है। फिलांथ्रोपी एकदम फिलांथ्रोपी पर्सन किसको बोलते हैं जो सारा समाज के लिए जो बिना स्वार्थ में बहुत कुछ करते हैं। रिलीजियस तो हो गया मतलब रिलीजन बेसिस से लेकर लेकिन जो हो जाएगा आपका पोलिस थ्योरी वही है आपका सेल्फ सेंटर्ड मैनी सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड हो गया ओके। उसके बाद देखो फिर 85 देखते हैं वो 85 उसके बाद देखते हैं आपका 85 क्या होता है। हाँ यहाँ पर देखो 85 देखो डॉक्टर आइक्रोइड्स फार्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ डॉक्टर आइक्रोइड्स फार्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ वही तो डॉक्टर आइक्रोइड्स फार्मूला ये जो एक डॉक्टर है वो भी वो सोशल इशू के ऊपर ही बात करते हैं एंड लेबर लॉ के लिए भी उनके भी मतलब थ्योरी देखो जो बहुत सारे थ्योरीज है ना उसको भी आराम से याद करके रखना नहीं तो फिर गलत हो जाएगा बहुत सारे भूल ही जाओगे। तो यहाँ पर देखो क्या है फटाफट खत्म करते हैं। देखो यहाँ पर जो डॉक्टर एक्यूरेट्स फार्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटरमिनेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्यूरेट्स जब एक नाम मतलब सामने आएगा मिनिमम वेज के लिए याद करना बस इतना याद करोगे तो आपका बन ही जाएगा और ज़्यादा ऐसे नहीं कि बहुत पर्सन को हम याद रखें इसलिए तो ट्रिक करो मतलब किसके नाम में क्या होना चाहिए बस वो हो जाता तो बस ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है एवरीवन एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज द राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इज एंटाइटल्ड टू रियलाइजेशन थ्रू नेशनल एफर्ट्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ ईच स्टेट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स इंडिस्पेंसिबल फॉर हिज डिग्निटी एंड फ्री डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी दिस स्टेटमेंट व्हिच इज एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वो बोला है जो इतना ही बात बहुत लंबा बात बोल दिया एकदम फिलांथ्रोपिक बात है मतलब फिलांथ्रोपिक मतलब एक सटीक तरीके से बात है। वो बोला है मतलब एक सोसाइटी में सभी जो मेंबर होंगे उस जो जिनके जो भी मेंबर होंगे उन सभी के सोशल सिक्योरिटी भी राइट होगा उसके साथ ही साथ आपका मतलब इकोनॉमी का भी राइट होगा कल्चरल भी राइट है उसके साथ ही मतलब सभी पर्सन के लिए खुद के लिए भी बहुत कुछ राइट्स है इसलिए वो बोल रहा है दिस स्टेटमेंट व्हिच इज एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन व्हिच जो स्टेटमेंट है जहाँ पर एम्फसाइजिंग होता है वहाँ पर जो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी का जो इम्पोर्टेंस होता है वो हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मतलब किस में एक्सप्रेस्ड होता है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किस में भी मतलब एक्सपर्ट मतलब क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में सिक्योरिटी जो सोशल सिक्योरिटी है वहाँ पर इम्पोर्टेंस आ जाता है ओके। वहाँ पर फिर देखते हैं वहाँ पर जो आ जाता है ये है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओके। वो बोल है मतलब हाँ वही तो है ना मैं वही बोल दिया मतलब जो सभी के लिए मतलब जो सर्वनिम्न बातें हैं जो सभी के पर्सनैलिटीज के ऊपर इसके साथ साथ आपका आपका अकेडेंस है ऑर्गेनाइजेशन है इंडियस में मतलब जो जरूर मतलब चाहिए वो डिग्निटी है आपको पर्सनैलिटी है जो आपको पर्सनल बहुत कुछ राइट है ये सभी के सभी बात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आता है ओके। तो चलो फिर देखते हैं 87 क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया स्टेटमेंट यही स्टेटमेंट एक्ट कौन कौन पर्सनैलिटीज
क्या बोले थे एंड ये सभी मतलब याद रखना, बस ऐसे ही याद रखोगे तो बस सोशल सिक्योरिटी क्वेश्चन बन ही जाएगा, सबके सब कुछ बन ही जाएगा, आपका सब कुछ सही हो जाएगा, सोशल सिक्योरिटी हो या फिर लेबर लॉज हो या फिर उसके साथ साथ प्रिंसिपल जनरल प्रिंसिपल अकाउंटिंग हो, सब कुछ सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया दो अजम्पशन दैट, यहाँ पर जो अजम्पशन है मेन क्या है ना, मेन इज सेल्फिश, मेन जो है सेल्फिश है, स्वार्थी है एंड सेल्फ सेंटर, सॉरी मैं ये क्वेश्चन क्या हूँ ना आपका कर दिया हूँ ना। हाँ तो चलो फिर 87 देखते हैं। 87 जो है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज ए नॉन कैश बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट जो दिया जाएगा आपको कैश के हिसाब से आपको नहीं दिया जाएगा, बगालत आपको दिया जाएगा, आपको एक मुआवजा तौर पर, मतलब मुआवजा तो आपको नहीं दिया जाएगा सॉरी, वहाँ पर जो तो आपको दिया जाएगा और बहुत सारे फैसिलिटीज आपको दे दिया जाएगा जिसके लिए आप भी मतलब बहुत खर्चा कर सकते थे, बोलो आपका बहुत मतलब डेबिट हो सकता था। बस वो बोले किसी ऐसा मतलब क्या एक्ट है जहाँ पर बेनिफिट तो है लेकिन कैश के हिसाब से नहीं है, मतलब ऐसे ही मतलब अपॉर्चुनिटी दे दिया जाएगा। देखो आपके घर के लिए एक, आप क्या है कि आपको कोई कंपनी में आप जब किए हो या फिर गवर्नमेंट जॉब जो भी जहाँ भी किए हो, आपको सैलरी नहीं नहीं देके वो आपको मान लो एक ऑडी दे दिया, मतलब एक बाय फोर व्हीलर दे दिया, या फिर आपको 10 डेसिमल लैंड दे दिया, तो इसके वही तो मैं बोला हूँ मतलब डायरेक्ट पैसा नहीं देगा, मतलब ऑल्टरनेट तरीके से दे देगा, वही ये जैसा बात है वो पहले मतलब सर्वप्रथम मतलब कौन सा एक्ट में ये आया वो बोल रहा है। फर्स्ट टाइम ये नॉन कैश बेनिफिट में जो जहाँ पर भी आया वो है द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, डायरेक्ट याद रखें। देखो फैक्ट्री एक्ट तो फैक्ट्री तो कब से बन चुका था, यहाँ पर तो नहीं आ सकता। मेटेरियल बेनिफिट तो वो तो अलग सा बात है, वहाँ पर तो पैसा देना ही चाहिए, वो तो काम नहीं हो पाया। माइंस एक्ट वैसे कुछ है, लेकिन जो स्टेट इंश्योरेंस है वहाँ पर क्या है कि आपका जो आप जितने साल नौकरी किए हो वहाँ पर भी आप पैसे भी ले सकते हो, उसके साथ साथ उसका बेनिफिट भी और अलग सा है जहाँ पर भी हो सकता है। मतलब ये नहीं, ऐसे नहीं बोला कि ऐसा क्या संस्था है जो ओनली एंड ओनली नॉन कैश बेनिफिट के बारे में बोला है, नहीं वो बोला है पहले टाइम के लिए कौन बोला है ऐसे कि मेडिकल बेनिफिट को आप नॉन कैश में भी दे सकते हो, वो बोला है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ई, जिसको शॉर्टकट में ESIA 1948 बोलते हैं। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट 88 देखेंगे। 88 में लिखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सेट ऑफ कॉन्टिजेंसीज आइडेंटिफाई बाय विलियम बेवरेज, जैसे कि मैं बोला था मतलब नाम भी याद रखो, मतलब पर्सनैलिटीज भी याद रखो, विलियम बेवरेज राइट, वही बोला है कि विलियम बेवरेज जो होगा वो कॉन्टिजेंस के तौर पर यूनिट से कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे विलियम बेवरेज के लिए भी आइडेंटिफाइड क्या होगा, बेवरेज के लिए आइडेंटिफाइड क्या होगा वो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो आपका आइडेंटिफाइड होगा वो वांट डिजीज इग्नोरेंस स्क्वालर एंड आइडलनेस होगा, वांट सिकनेस नहीं होगा, हाँ सिकनेस तो होगा नहीं होगा कि नहीं, सिकनेस होगा जो डिजीज नहीं होगा, ऐसे ही आप बहुत सारे सोच सकते हो, लेकिन प्रॉपर वर्ड को ना याद रखना है, मतलब यहाँ पर तो डिसेबिलिटी है सिकनेस लेकिन ज़्यादा है, लेकिन इसलिए याद मतलब जो मैं बोला हूँ बस पर्टिकुलर याद रखना, विलियम वो बोला विलियम बेवरेज के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम में विलियम बेवरेज जो भी कंसेप्ट दिए थे या फिर उनके हिसाब से जो भी सोशल सिक्योरिटीज में जो भी है फंडा वो क्या क्या है आपको याद रखना, वांट है, एक डिजीज है, इग्नोरेंस है, स्क्वालर है, आइडलनेस है, ओके मतलब ये सब जो है बेड साइंस पोर साइंस है, ओके उसके बाद फिर चलते हैं। चलो 89 में, 89 क्या है, 89 वो जो है वो है पेटल अटल पेंशन योजना कौन नहीं है, बस अटल पेंशन योजना जो है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना में कौन सा जो है जो करेक्ट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है अटल पेंशन योजना में जो कौन है या जिसमें मतलब क्या है जो अटल पेंशन योजना में जो करेक्ट नहीं है, देयर इज गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर द सब्सक्राइबर्स रेंजिंग बिटवीन 1000 से लेकर 5000 पर मंथ, नो वहाँ पर हाँ वो तो है, मतलब देखो देयर इज गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन अटल पेंशन योजना में, एक वो पेंशन योजना है वहाँ पर कम से कम 1000 से लेकर 5000 तक का आपका रेंज हो सकता है, ओके आप मतलब मिल सकता है मंथली, तो वो तो हो गया ना बस वही कि वो हो गया, उसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा ना द बेनिफिट ऑफ मिनिमम पेंशन वुड बी गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जो बेनिफिट है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देंगे ना, उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन और
1000 पर अनम हुई चीज लोअर, यस ये भी सही है। लेकिन जो जो यहाँ पर जो गलत गलत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एज अबव 40। नो ये 40 नहीं। जैसे कि देखो पेंशन का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए, पेंशन कब मिलता है, जब गवर्नमेंट जॉब में या 60 साल, बस एक ही तो मतलब टर्म आप याद कर सकते हो ना, मतलब आइडिया तो लगा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर जहीं जहाँ भी हो, हम इन जनरल बोलते हैं हाँ उसका 60 एज हो गया वो रिटायर्ड हो जाएगा, कम से कम 18 साल से वो 60 तक मतलब इनकम कर सकता है। मतलब वही बोल रहा है, मतलब वो यही बोल रहा है कि मतलब जो भी सिटीजन्स एज अबव 40 ईयर्स, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज अबव 40 ईयर्स नहीं, एज अबव 60 ईयर्स। ओके उसके साथ ही साथ अब चलो फिर देखते हैं 90 क्वेश्चन, 90 यस 90 करके फिर 91 करते हैं। देखो 90 क्या दिया गया, 90 यहाँ पर दिया गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये जो है सब आसान क्वेश्चन है, इसके ऊपर जो मैं समझा अटल पेंशन योजना, ये देखो ये जो योजना होता है ये करंट इवेंट के जैसे योजना हो जाता है, ये कहीं ना कहीं वहाँ पर लिंक करा देते हैं क्योंकि वो लेबर के लिए एंड मतलब आपका जनरल अकाउंट के लिए मतलब आपको सोशल सिक्योरिटी इश्यूज के लिए भी एक टर्म है, इसलिए वो ऐड कर देते हैं एग्जांपल है। इसके लिए क्या है कि वो भी बेनिफिट हो जाता है, इसलिए जो है ना योजना पेपर, योजना एक मैगजीन आता है, वो भी ऑनलाइन परचेज करके इसको पढ़ लिया करो, हर महीना परचेज करो, हर महीना पढ़ लो या फिर सब्सक्रिप्शन ले लो एक ईयर के लिए, जो कम कहीं ना कहीं कम आएगा मंथली में चार्जेस जो भी है। देखो वो बोला है प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है PMSBI है, वहाँ पर जो एक्सीडेंट के लिए जो बेनिफिट मिलेगा 2 लाख के तक मिलेगा, तो आपको कितना 1 ईयर में रखना चाहिए जो आपको मिल जाएगा। देखो एक है सुरक्षा बीमा योजना और एक था क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक था प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल केस जो है एक्सीडेंटल केस में जो है वो था एक साथ सुरक्षा बीमा योजना, जहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा सभी भी जानते हो 12 रुपया, ये सबसे कम है। लेकिन जो एक्सीडेंट के लिए प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल जो योजना जो हो जाएगा वो हमारा था 312 शायद, हाँ 312 एक एनुअली में एक ही बार आपका कटेगा 312 रुपया, नहीं तो ये एक ही बार कटेगा 12 रुपया, ये 12 रुपये में 2 लाख बेनिफिट ये, लेकिन 312 में 2 लाख ही ये सेम ही बेनिफिट, लेकिन इसमें क्या है कि जस्ट एक्सीडेंट हुआ तो फिर 1 लाख मिलेगा, नहीं तो डेथ हो गया तो 2 लाख। लेकिन यहाँ पर क्या है ना आपका एक सुरक्षा का उपाय लेकर आपको मतलब उसके बाद ही क्या मिल जाएगा, 12 रुपये में आप किए हो तो कहीं ना कहीं 2 लाख का आपका मिल ही जाएगा। तो चलो उसके बाद देखते हैं 91 क्वेश्चन। ओके 91 क्वेश्चन 91 क्वेश्चन जो है देखते हैं, द फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ इज द एक्शन व्हाइल द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून इज द रिएक्शन। वो बोले तो फोर्स ऑन मून, मून के ऊपर जो फोर्स होता है, मून के ऊपर जो फोर्स होता है वो बोले ड्यू टू द अर्थ इज द एक्शन होता है, व्हाइल द फोर्स ऑफ अर्थ ड्यू टू द मून इज द रिएक्शन। ओके तो 91 जो हो गया वो बोल रहे हैं मतलब 91 का 1A है, तो फोर्स ऑन मून ड्यू टू द अर्थ हो गया, अर्थ के हिसाब से जो मून के ऊपर जो फोर्स आ गया विद एक्शन मोबाइल द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू द मून इज द रिएक्शन। नहीं जो फोर्स जो मून के ऊपर है ड्यू टू द अर्थ नहीं हो, ड्यू टू द सन हो सकता है, इन द व्हाइल द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू द मून इज द रिएक्शन। वो बोले आपका मतलब क्या आंसर होगा। हाँ यहाँ पर देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस होगा वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया होगा यहाँ पर ऑप्शंस जो है मैं आंसर बोल देता हूँ, यहाँ पर होगा ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा, मतलब ऑप्शन ए में आएगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ऑप्शन 2 में आएगा स्टेटमेंट 2 करेक्ट, या फिर ऑप्शन 3 में आएगा बोथ करेक्ट, या फिर ऑप्शन 4 में आया कोई भी करेक्ट नहीं होगा। वहाँ पर करोगे देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्यों होगा मैं अच्छे से फिर समझा देता हूँ। यहाँ पर होगा तो फोर्स ऑन मून ड्यू टू द अर्थ इज द एक्शन, हाँ जो मून के ऊपर जो भी फोर्स अर्थ के मतलब अर्थ के लिए भी मतलब आता है जो फोर्स मून के ऊपर वो तो एक्शन है, लेकिन जो मून से मतलब अर्थ से जो जाता है मून वो कहीं ना कहीं रिएक्शन नहीं रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं, मतलब हाँ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं सॉरी रिएक्शन भी उसको बोलते हैं, इसलिए वो सही है। मतलब जैसे देखो न्यूटन के जो थर्ड लॉ होता है ना, मतलब ईच एंड एवरी एक्शन है जो ऑपोजिट रिएक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन है जो ऑपोजिट रिएक्शन, इसलिए मून के लिए मतलब आर्स जो भी आता है मून के ऊपर जो फोर्स वो है
जो रिएक्शन आता है लेकिन जो मून से जो अर्थ के लिए जो जाता है वो रिएक्शन बोलते हैं। ओके उसके साथ साथ स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू में क्या है ना, टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इच एक्शन के लिए देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ ये भी कहीं ना कहीं ये भी सही है, ये भी सही है। इसलिए जो ऑप्शन ए होगा आपके पास वो बोथ था, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू था, मतलब स्टेटमेंट वन जो है वो भी सही है, स्टेटमेंट टू भी जो है वो भी सही है। इसके साथ ही साथ स्टेटमेंट वन ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू ऐसे ही होता है, इसलिए स्टेटमेंट वन में भी मतलब ऐसे ही कुछ एक्शन हुआ उसका रिएक्शन निकला, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आता है, मतलब स्टेटमेंट वन ट्रू एंड स्टेटमेंट टू ट्रू एंड स्टेटमेंट वन इज द प्रॉपर कॉज ऑफ स्टेटमेंट टू। ओके इसका देखो प्रिंट आउट ऐसे ही हो गया है लेकिन एग्जाम तो आया था, मतलब ऐसे ही स्टेटमेंट वन करेक्ट, स्टेटमेंट टू रॉन्ग एंड कोई मतलब कॉज उसका वो नहीं है, ऐसे ही कुछ आया था। लेकिन जो सही होगा ये भी सही है, वो भी सही है एंड वो टू भी वन का मतलब कॉज है, इसके कारण है टू। तो चलो उसके बाद देखते हैं क्या है ना, उसके बाद देखते हैं 92 क्वेश्चन। 92 क्वेश्चन वहाँ पे लिखा है इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी, इफ वी प्लेस ए ग्लास ऑफ आइस वाटर ऑन ए टेबल एट रूम टेम्परेचर द आइस वाटर विल गेट वार्मर, द आइस वाटर विल गेट वार्मर। एक मिनट एक मिनट, इसका आंसर कहाँ गया मैं देखता हूँ। 92, अरे भाई इसका भी आंसर नहीं है, चलो फिर मैं बता देता हूँ क्या आंसर होगा, वो तो मैं बोल दिया। हाँ यहाँ पर देखो क्या बोलता है, यहाँ पर वही बोलता है ऐसे ही सेम टू सेम स्टेटमेंट दे दिया। तो स्टेटमेंट वन जो है इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट इफ वी प्लेस ए ग्लास ऑफ ग्लास ऑफ आइस वाटर, आइस में मतलब जो भरपूर है उसमें एक वाटर रख देंगे अन्य टेबल, एक टेबल में जो रख देंगे एट रूम टेम्परेचर तो आइस वाटर विल गेट वार्मर, आइस वाटर गर्म हो जाएगा। हाँ मतलब गर्म मतलब उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ ही जाएगा, हाँ ये सही हो जाएगा। हीट इज एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन ए सिस्टम एंड एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम, यस यहाँ पर भी दोनों ही सही है एंड जो वन है मतलब एग्जैक्टली इसीलिए मतलब स्टेटमेंट टू का वो वन जो है कॉज है। ओके तो चलो फिर देखते हैं 93। ओके देखो यहाँ पर देखो 93 क्या है, यहाँ पर 93 लिखा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट डायमैग्नेटिक एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो बोल रहा है जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है एसटीपी उसी के अंडर में कौन मतलब क्या है जो मेटल्स नहीं है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में कौन सा है जो मेटल में नहीं गिना जाएगा। नाइट्रोजन तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब प्रेशर में आएगा, सोडियम क्लोराइड भी आएगा, वाटर भी आएगा, लेकिन जो डायमैग्नेटिज्म का एक जो है वो ये आयरन वाला जो है नहीं आएगा, ये डायरेक्ट मैग्नेटिज्म है। ओके वो डायमैग्नेटिज्म नहीं है, जो डायमैग्नेटिज्म है वो तीनों है नाइट्रोजन सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, लेकिन जो आयरन है ओनली मैं जैसे कि बोला हूँ मतलब आयरन जो है क्या है, आयरन हो या फिर सिलिकॉन हो वो सेमी कंडक्टर हो जाते हैं या उसके साथ ही साथ वो मैग्नेटिज्म भी आयरन है वो प्रोवाइड मतलब करता है, मतलब मैग्नेटिज्म में जो खास बात आयरन के लिए होता है। तो उसके बाद देखो 94 देखते हैं, पटापट देख लेते हैं। देखो 94 क्या दिया गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कौन सा ऐसे गैस है जो वाटर में जल्द से जल्द वो सॉल्युबल के तौर मतलब वो मिल ही सकता है, मतलब वो ऑब्जर्व हो जाता है, वो जो हो जाएगा आपका अमोनिया, जैसे कि सब जानते हो अमोनिया यूज करके मतलब हाई मतलब बहुत ज़्यादा मतलब देखो अमोनिया यूज़ करके बहुत ज़्यादा काम मतलब डेली लाइफ में जो होता है अमोनिया यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल सेक्टर में बहुत काम भी ऐसे होता है अमोनिया से। हाँ क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नहीं होगा, मतलब जैसे जब भी पूछेगा वाटर में ऐसा क्या, हम तो बहुत सारे वाटर में मिलते हैं, बहुत सारी वैसे चीज़ें वाटर में मिल ही जाता है, मतलब मिल जाता है अच्छे तरीके से, इसका मतलब कुछ भी थोड़ा भी नहीं बचता है, मतलब अच्छे तरीके से मिल ही जाता है, लेकिन कौन है मतलब जल्द से मिलता है मतलब मिल ही जाता है सॉल्युबिलिटी जिसका ज़्यादा है वो है अमोनिया। ओके उसके बाद बोल रहा है ब्लीचिंग पाउडर कंटेंट्स क्या है, ये बहुत इजी सवाल भी आता है कुछ कुछ। देखो यहाँ पर लिखा है ब्लीचिंग पाउडर क्या है, सभी जानते हो ब्लीचिंग पाउडर में तो क्लोरीन होगा ना, और क्या होगा, हो सकता है क्या, बस ब्लीचिंग पाउडर में बस क्लोरीन है। उसके बाद क्या है ना, इसके बाद जो है आपका फिर हाँ नीचे में देखते हैं, उसके बाद है आपका वो बोल रहा है कि व्हाट इज द कैजुअल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया होने के कारण क्या है, मतलब हम बोलते हैं ना मतलब प्रोटोजिया मलेरिया क्यों होता है, मलेरिया का जो वाहक कौन है, प्रोटोजिया। लेकिन जो अभी जो फिलहाल कोविड चल रहा है वो कैसा डिजीज है, वायरस थोड़ी ना, वो बैक्टीरिया। कोई बोलेगा क्या कोविड जो 19 हुआ था मतलब जो डिजीज आया हुआ है वो एक
बैक्टीरिया डिजीज है, नहीं वो तो वायरस डिजीज है। ऐसे ही मतलब जो भी मतलब डिजीज है उसका मतलब जो बाहक हैं, उसका जो एजेंट हैं, उनको भी याद रखना जरूर। यहाँ पर से क्वेश्चन आते हैं, मतलब डिजीज से रिलेटेड भी एक ना एक एक या दो क्वेश्चन आ ही जाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ओके यहाँ पर देखो क्या है ना, यहाँ पर है वायरस, चिकनगुनिया भी एक कैसा बीमारी है, वायरस से रिलेटेड है। ओके यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, ऊपर भी कर लेंगे। ओके फिर हमको फिर नीचे नहीं आना पड़ेगा, जैसे कि उस दिन मैं कर रहा था लेकिन आज नहीं कर रहा था, मैं सोचा ऊपर नीचे हो या फिर करा लूंगा इसलिए। तो यहाँ पर 100 जो क्वेश्चन था, इन ऑर्डर टू सेव द स्टोर्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट, मतलब कीड़ा से लेकर कीड़ा से हम कैसे हमका खाद्य हम बचाए। फार्मर्स यूजल मतलब इसी मतलब बचाने के लिए फार्मर कहते हैं, मतलब वो जो यहाँ पर पूछा पूछा है वो बोल रहा है कि जो फार्मर्स हैं वो मतलब फूड ग्रेन को हम नष्ट ना हो इसलिए, मतलब किससे मतलब इंसेक्ट उसको खा ना जाए, उसको मतलब नष्ट नहीं कर दे मतलब खाद्य से, इसलिए फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। ये तो घर में भी यूज होता है, हाँ ये ऐसा भी नहीं कि जो ऑर्गेनिक या फिर आजकल जो हमारे बहुत कुछ केमिकल मतलब यूज़ कर रहे हैं स्प्रे करके या फिर डायरेक्ट हाथ से मिला के मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब कहाँ मतलब ऑर्गेनिक मतलब फार्मर फील्ड में नहीं, वो जो है मतलब वही वही बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट घर में भी यही करते हैं। मतलब देखे देखे होंगे जो आपके घर में माताजी या फिर पिताजी वही कर रहे हैं, मतलब जैसे कि वो चावल रखे हैं, चावल में नहीं लगे का मतलब जो चावल को मतलब जो वो काला काला जैसा कीड़ा है इंसेक्ट है वो ख़राब नहीं करेगा, मतलब चावल से अंदर से वो उसको टूटने नहीं देगा, इसलिए नीम का पत्ता रखते हैं। नीम के पत्ते से उसका जो मतलब इतना बढ़िया गुण है, मतलब आपके लिए मनुष्य के लिए भी और इस कोरोना के हालत में भी ये भी मैं भी सजेशन दूंगा, आप रोज़ाना नीम का एक आधा सा ग्लास करके मतलब ग्राइंडिंग करके रस उसका पियो, देखो कि बहुत कुछ बेनिफिट होगा। इसी हिसाब से भी यहाँ पर भी वही बोला गया, मतलब इसलिए उसका भी काम वही है, मतलब बहुत कुछ करता है, इन्फेक्शन इंसेक्ट से बहुत बैक्टीरिया से हमको बचा के रखता है नीम का लीव, इसलिए वो उसका वहाँ पर लिखा हुआ है। जो चलो 96 हो गया था, 100 हो गया, 96, 97, 98, 99 करा देते हैं। देखो 99 क्या है, 99 जो है वो बोला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एन एनिमल एंड प्लांट, एक एनिमल एंड प्लांट की तरह जो भी एक एक समय में आता है, मतलब दोनों की तरह जो मतलब बिहेव करता है दोनों को, मतलब दोनों की तरह जिसका पास गुण है या फिर कैरेक्टरिस्टिक वो डायरेक्ट याद रखना यूक्लिना में, डायरेक्ट इसलिए बोला ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंड ऐसे ही चार ऑप्शन ही एज इट इज भी आ जाता है या फिर ये तीनों ऑप्शन में अलग अलग करेगा, लेकिन यूक्लिन आ जाएगा। यूक्लिना एक सिम्बायोटिक प्लांट है, सिम्बायोटिक किसको बोलते हैं, मतलब जो बोथ बोथ एनिमल के तरह एंड प्लांट के तरह, मतलब उसको कैरेक्टरिस्टिक को प्रदर्शन करता है या फिर गुण उसके पास है। चलो फिर देखते हैं 98 देखते हैं। चलो 98 में दिया गया है, ब्यूट ऑफ द सम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट या कला एंड स्थापत्य हमारा जैसा है वो सब बहुत सारे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए वो बहुत सौंदर्य मतलब ग्रोथ करता है, उसी में से कौन सा एक ग्रुप है जिसके लिए भी हमारे मतलब ग्रेटली इफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हिस्टोरिकल मोनूमेंट भी हमारा उनके लिए भी ग्रेट मतलब उसका ग्रोथ मतलब बहुत प्रदर्शन बहुत अच्छे तरीके से हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट उनके लिए भी सुरक्षित रहता है, बहुत अच्छा खासा कुछ उनके लिए भी उनके हेल्प से भी बहुत कुछ होता है। वो है लाइकेंस, लिचेंस मतलब क्या है, देखो लिचेंस जो है दोनों ही मतलब तरीके से वो काम कर सकता है, मतलब वो तो एक ही है, मतलब हिस्टोरिकल मोनूमेंट को आगे बढ़ाता है, उसके साथ ही साथ हमारा पोल्यूशन जो है ना, मतलब इस एरिया में हम सोचेंगे हमारे घर में एरिया में क्या पोल्यूशन है, मतलब पोल्यूशन का लेवल क्या है, इसी से हमसे बहुत जगह से हम पोल्यूशन ऐसे ही कुछ मतलब ये कर सकते हैं। ओके उसके बाद चलो देखते हैं, मतलब पोल्यूशन का लेवल उससे में पाया जा सकता है। उसके साथ ही देखो वो बोला है कि बायो रेमिडिएशन इज ए टेक्नोलॉजी व्हिच इज बीइंग एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड इन कंट्रोलिंग, जो बायो रेमिडिएशन है, जो बायो रेमिडिएशन से वो हैवी मेटल पोल्यूशन, मन याद रखना वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग है, रेमिडिएशन बायो रेमिडिएशन कुछ नहीं आएगा, ग्लासियर में तो कतई नहीं आएगा, ओजोन में भी नहीं आएगा, तो ये ऐसे इससे याद देखो दो ही चीज़ है जहाँ पर बायो बायो वर्ड आता है, वहाँ पर एक आपका है नदियों में, मतलब नदियों में वहाँ पर जो बायो बहुत कुछ जीव होता है, मतलब
जो उसका मतलब ज़्यादा हो जाता है उसको मतलब बायो रेमिडेशन वहाँ भी बोलते हैं। उसके साथ साथ मेटल पोल्यूशन भी बहुत जगह हो जाता है मेटल के लिए, खासतौर पर मेटल के जो जो है बायो रेमिडेशन भी बोलते हैं। ओके, उसके साथ लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा आपका जो पेपर 17 2017 में जो ईपीएफ का पेपर आज ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर 16 या 15 या 14 13 जो भी मैं लेकर आऊँगा। चलो यहाँ पर क्या था, 96 था, 96 तो ख़त्म हो गया था ना, 97, हाँ 97, 1 मिनट, 97 तो मैं करा दिया, 96 भी आई थिंक करा दिया। हाँ चलो, इसके साथ ही साथ आपका ख़त्म हो गया। चलो बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। आशा करता हूँ इसको शेयर करो जल्दी से जल्दी, एंड जल्द से जल्द एंड सभी जुड़ जाओ। इसके साथ साथ मैं पढ़ाऊँगा, तो कल से भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एस एस रेलवे का थोड़ा थोड़ा। इसके साथ साथ जो उड़ीसा के जो SI एंड उड़ीसा के जो पुलिस के, उड़ीसा पुलिस के लिए या एंड उसके साथ जो डिफेंस में जो उड़ीसा पुलिस एंड हमारा उड़ीसा पुलिस के सब इंस्पेक्टर एंड कॉन्स्टेबल, उसके साथ ही साथ आपका जो आर्मी रैली है उसके लिए भी कल से क्लास करा रहा हूँ, उसके साथ SS रेलवे के लिए भी करा रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहना इसे ऐसे ही मतलब मस्त मस्त सब प्रिपरेशन आप करके अच्छे से नौकरी ले लेना कोविड 19 के बाद। अब मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, बस घर में होंगे, सेफ होंगे।